और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम गायत्री जयंती उसमें माँ गायत्री की पूजा किस विधि से करें ये जानेंगे। माँ गायत्री की महिमा का पवित्र वर्णन शास्त्रों में अनेक जगह मिलता है, वहीं वेदों में माँ गायत्री को वेद माता, देव माता और विश्व माता भी माना गया है। गायत्री मंत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का सार है। ये भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री भी मानी जाती हैं। आज यानी 20 जून को गायत्री माँ का प्रकटोत्सव है, तो इस दिन हम गायत्री माँ का पूजन कैसे करें हम ये जानेंगे। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी माना जाता है, ऐसे में बिना गुरु के साधना का फल देरी से मिलने की बात कही जाती है। ऐसे में साधक अपने गुरु की चेतना का आवाहन, उपासना की सफलता के लिए गुरु का आवाहन इन मंत्रों से करना चाहिए। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आवाहन के बाद देव पूजन में जल, अक्षत, पुष्प, धूप दीप, चंदन, नैवेद्य आदि 5 पदार्थ प्रतीक के रूप में माँ के समक्ष अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले माँ की मूर्ति हो या तस्वीर हो उसको जल से स्नान कराएं, फिर माता को चंदन, रोली और चावल समर्पित करें। उसके बाद माँ को पुष्प चढ़ाएं, धूप और दीप जलाकर माँ की आरती करें और उसके बाद नैवेद्य यानी भोग कुछ मीठा खीर बना लें या कुछ मीठा जो भी आपसे बन पड़े उस मीठे का माँ को भोग लगाएं और उसके बाद माँ की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए हवन करें। यज्ञ करने से माँ की विशेष कृपा मिलती है। गायत्री मंत्र से 5 आहुतियाँ या 11 या 21 या 108 आहुति जितने आप दे सके उतनी आहुतियाँ दें और उसके बाद में शांत चित्त से बैठ जाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि जाप करते समय बंद नेत्रों से उगते हुए सूर्य का ध्यान करने से मंत्र जप का फल अधिक मिलता है। जाप करने से हमारे क्रोध, माया, लोभ, मोह सारे धीरे धीरे छूटने लगते हैं और हृदय से ये भावना करें कि हमारे सारे दोष दूर हो रहे हैं। गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 1 माला, 3 माला या 11 माला तक कर सकते हैं। जप के समय आप तुलसी की माला का उपयोग करें और जप के समय आपके होंठ तो हिलते रहें लेकिन आपकी आवाज़ इतनी हल्की होनी चाहिए कि पास बैठा व्यक्ति सुन ना सके। जप के बाद आरती करें। आरती करने के बाद सभी लोग गायत्री माँ से अपने किए हुए अपराधों की क्षमा मांगें। पूजा में जो भी गलती हुई हो उनके लिए क्षमा प्रार्थना करें, माँ का आशीर्वाद लें और उठ जाएं। तो इस तरह से आप सरल विधि से गायत्री माँ का जाप करके अपने जीवन में सुख शांति को स्थापित कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को। धन्यवाद।